नमस्कार दोस्तों, जब कोरोना की डर से पूरी बॉलीवुड डरा हुआ है तो वहां शाहरुख खान के लिए भी मुसीबतें हैं। आपको बता दूं, अभी तक कोई भी ये कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि शाहरुख सर कब अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अप्रैल महीने से शाहरुख खान सर की फिल्म जो एटली कुमार के साथ आने वाले थे उसकी शूटिंग शुरू हो सकती थी, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट की उम्मीद मार्च में ही किया जा रहा था। लेकिन आखिर में अभी जो माहौल है कोरोना को लेके, क्या शाहरुख खान इस माहौल पे अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी एक सवाल है शाहरुख खान फैंस के लिए। जिस तरीके से पूरी बॉलीवुड कोरोना की वजह से इफेक्ट हुआ है, उस तरीके से शाहरुख खान की फिल्म अनाउंसमेंट पर भी क्या कोरोना बहुत ही बड़ा एक इम्पैक्ट डाल पाएगा? क्योंकि मार्च महीने में सबकी उम्मीद के मुताबिक शाहरुख सर शायद अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट कर देते, लेकिन बिगड़ते हालात और कोरोना की केस दिन ब दिन भारत में इंक्रीज हो रहा है, उसके चलते अब शायद ये नहीं हो पाएगा। बिकॉज फिल्म अनाउंसमेंट एक एंटरटेनिंग घोषणा होते हैं और शाहरुख खान को करोड़ों लोग अपनी इंस्पिरेशन और आइडियल मानते हैं। इसके चलते शाहरुख खान ऐसे किसी भी हालत पे किसी भी फिल्म की अनाउंसमेंट करना शायद सही नहीं समझते होंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि शायद कोरोना की वजह से मार्च महीने में शाहरुख खान की फिल्म अनाउंसमेंट नहीं होगा, चाहे वो राजकुमार ईरानी का हो या फिर चाहे एटली कुमार का हो। आप लोगों का क्या रिएक्शन है और आप लोग कितनी इंतजार कर रहे हैं शाहरुख खान फैंस उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट का, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।